एक बार की बात है, कालिया शहर में एक पुरानी बस खरीदता है। बस की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं होती, जगह जगह से बस का पेंट भी उखड़ा हुआ होता है। फिर वह शेरू को हेल्पर के तौर पर नौकरी पर रख लेता है। पहले दिन कालिया बस चलाकर बस डिपो पर पहुंचता है, जहां पहले से कुछ बसें खड़ी होती हैं। वो भी अपनी बस को वहां लगा देता है। अरे आओ आओ आओ, दिल्ली टू मनाली चलो चलो चलो, जल्दी आओ जल्दी आओ, पहले और खिड़की वाली सीट पाओ। आओ आओ जल्दी जल्दी आओ जल्दी आओ, दिल्ली टू मनाली दिल्ली टू मनाली। लेकिन उसकी बस की हालत कुछ ठीक नहीं होती। उसकी बस पुरानी होने की वजह से ज्यादा सवारियां उसकी बस में कोई दिलचस्पी नहीं लेती और दूसरी बस में चढ़ जाती हैं। उस दिन कालिया की बस में सिर्फ 5 सवारियां ही चढ़ती हैं। अरे उस्ताद, अगर इन 5 सवारियों को मनाली लेकर गए तो पल्ले से डीजल के पैसे लगाने होंगे। इतनी कम सवारियों में कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम सही कहते हो, इन सबको बस से उतार दो, बोल दो बस कहीं नहीं जा रही। फिर शेरू सभी सवारियों को बस से नीचे उतारने लगता है। चलो चलो चलो, ये बस कहीं नहीं जा रही, चलो पतली गली से निकलना, चलो चलो। अरे बड़ा बदतमीज बस वाला है, पहले तो इस खटारा बस में बैठा लिया और अब उतार रहा है। इस तरह अगले दिन भी उसकी बस में सिर्फ 4 सवारियां ही बैठती हैं। वह उन्हें भी उतार देता है। उस्ताद जी, इस तरह तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें कुछ न कुछ उपाय करना ही होगा, मेरे पास एक तरकीब है। फिर अगले दिन शेरू एक गांव की सुंदर लड़की को अपने साथ ले आता है और उसे बस कंडक्टर बना देता है। आओ आओ दिल्ली टू मनाली, जल्दी जल्दी आओ, पहले आओ और पहले खिड़की की सीट पाओ। इतनी सुंदर कंडक्टर को देखकर सब सवारियां दूसरी बस से उतरकर कालिया की बस की ओर आ जाती हैं। अब उसकी बस पूरी तरह से भर जाती है। अरे वाह वाह शेरू, तेरी तरकीब तो काम कर गई भाई, आज तो मजा ही आ गया। अजी सुनिए, आपके बगल वाली सीट की टिकट कितने की है जी? जी आप यहाँ नहीं बैठ सकते, ये सीट रिजर्व है, यहाँ सिर्फ कंडक्टर ही बैठ सकता है। अरे हट पीछे, अरे सुनो, मुझसे ज्यादा पैसे ले लो और मुझे यहाँ अपने साथ बैठने दो ना। अरे ओ बूढ़े बाबा, चलो चलो चुपचाप पीछे जाकर बैठो, यहाँ कोई नहीं बैठेगा। फिर सब सवारियां बैठ जाती हैं और बस मनाली के लिए निकल जाती है। सब लोग बार बार सुमन को ही देखते रहते हैं। उसी बस में 3 बदमाश भी होते हैं। अरे रानी, जरा यहाँ हमारे साथ आकर बैठ जाओ, वहाँ अकेले अकेले बोर हो गई होगी। सुमन उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन वे बदमाश सुमन को लगातार तंग करते रहते हैं। फिर ये सब देखकर शेरू वहाँ आता है। अरे भाई साहब, आपको क्या तकलीफ है, कब से उस बेचारी को परेशान किए जा रहे हो? छछुंदर, चल निकल यहाँ से, बड़ा आया हमें समझाने वाला, चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो बस से उठाकर नीचे फेंक दूंगा। फिर वे सब बदमाश हंसने लगते हैं और सुमन को परेशान करते रहते हैं। अरे भाइयों, क्या तुम देख नहीं रहे, ये बदमाश मिलकर एक लड़की को तंग कर रहे हैं, क्या आप में से कोई इन्हें कुछ नहीं बोलेगा? डरो मत, हम सब मिलकर इनका मुकाबला कर सकते हैं। ऐ, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, अब एक शब्द भी और बोले तो तुझे बस से नीचे फेंक दूंगा। फिर शेरू कालिया के पास जाता है। उस्ताद, पीछे बस में कुछ बदमाश सुमन को परेशान कर रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। हाँ तुम ठीक कहते हो, तुम नजर जमाए रखो, जैसे ही कोई पुलिस का नाका दिखेगा मैं बस रोक दूंगा। फिर रात होने पर लल्लन सुमन का हाथ पकड़ लेता है। ए छोड़, मुझे छोड़, तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ मुझे। मेरी राम प्यारी, आखिर भाग कर कहाँ जाओगी? फिर खींचा तानी में सुमन का संतुलन बिगड़ जाता है और वो बस से नीचे गिर जाती है। ये देखकर वह बदमाश घबरा जाते हैं। फिर एक आदमी इस घटना की जानकारी देने के लिए कालिया के पास जाता है। अरे भाई साहब, बस रोको, अनर्थ हो गया, वो कंडक्टर लड़की बस से नीचे गिर गई। ये सुनते ही कालिया बस रोक देता है। फिर कुछ लोग पीछे की ओर दौड़ते दौड़ते वे लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां सुमन गिरी थी।
लेकिन वहाँ उन्हें सुमन की कोई लाश नहीं मिलती। इधर उधर ढूंढने पर भी उसका कोई पता नहीं चलता। अरे भाई, ये सारा जंगल का रास्ता है। मुझे लगता है कोई जंगली जानवर उसे ले गया है। हमें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। तेरे में हम सुमन को नहीं ढूंढ पाएंगे। चलो जल्दी बस की ओर चलो, कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। फिर वे सब लोग डर और अंधेरे की वजह से वापस बस की ओर चल देते हैं और बस में आ जाते हैं। ए कमबख्तों, तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। थोड़ी दूर पर ही एक पुलिस स्टेशन है, तुम सब के सब जेल में सड़ोगे। फिर इतना बोलकर कालिया गुस्से में तेजी से बस चलाने लगता है। फिर कुछ दूर जाने पर अचानक बस रुक जाती है, क्योंकि बस के सामने सड़क पर एक पेड़ गिरा हुआ होता है। तभी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। सब लोग डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये कौन कुर्रा रहा है भाई? लगता है पास में ही कोई जंगली जानवर है। अरे उस्ताद, बस क्यों रोक दी? यहाँ तो बहुत खतरा है। अरे भाई, बस के आगे एक पेड़ गिरा हुआ है, मैं आगे बस नहीं चला सकता। तभी किसी के बहुत तेज चीखने की आवाज आती है। तभी ऐसा लगता है जैसे कोई बस की छत पर चल रहा हो। सब सवारियां बस की छत की ओर देखने लगती हैं। सबकी हालत खराब हो जाती है। अरे लल्लन भाई, ये बस की छत पर कौन चल रहा है भाई? मुझे तो बहुत डरावने डरावने ख्याल आ रहे हैं। इन्हें सुमन की लाश भी नहीं मिली, कहीं वो लौट के तो नहीं आ गई? अरे नास मिटे, ये कैसी कैसी बातें बोल रहा है? शुभ शुभ बोल, अगर वो वापस आ गई तो हम तीनों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी खिड़की में से एक हाथ अंदर आता है और विजय की गर्दन पकड़ लेता है और उसे अपने साथ बाहर खींच लेता है। अरे अरे मर गए रे, ये तो किसी चुड़ैल का हाथ था भाई। आई मम्मी, बचा लो बचा लो, सुमन चुड़ैल बनकर वापस आ गई, अब क्या होगा? तभी उन्हें एक चुड़ैल बस के पीछे वाले शीशे से दिखाई देती है। उसे देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। अरे लल्लन भाई, विजय तो गया, अब अगला नंबर हमारा ही है, ये हमारे लिए ही आई है। तभी खिड़की में से एक हाथ अंदर आता है, को भी बस से बाहर खींच लेती है। अरे भाइयों, ये चुड़ैल इन तीनों के लिए ही यहाँ आई है। इन्हीं की वजह से सुमन बस से नीचे गिरी थी, उसने दो को तो मार दिया है, अब ये अकेला लल्लन ही बचा है। चलो हम सब मिलकर इसे बस से नीचे फेंक देते हैं, जिससे उस चुड़ैल का बदला पूरा हो जाएगा और वो यहाँ से चली जाएगी। अरे नहीं 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 भाइयों, ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे साथ ऐसा मत करो। शेरु भाई, मुझे बचा लो, तुम तो सुमन को जानते थे ना, उसे बोलो कि मुझे माफ कर दे, मैं हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता हूँ। तुम इसी के लायक हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी वह चुड़ैल जोर जोर से गुर्राने लगती है। फिर चुड़ैल लल्लन को भी बस से बाहर खींच लेती है और बस की छत पर ले जाती है। अरे सुमन, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, आज के बाद मैं किसी लड़के के साथ बदतमीजी नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। फिर वह चुड़ैल लल्लन का सिर उसके धड़ से अलग कर देती है और जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी चीखें सुनकर बस में बैठा हर शख्स कांप उठता है। फिर उसे मारने के बाद वो खिड़की से झांक कर अपने अगले शिकार की तलाश करने लगती है। देखो सुमन, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम सब चुप रहे, किसी ने भी तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठाई, हम सब तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो। उस बस में कुछ बच्चे भी होते हैं, उन्हें देखकर वह शांत हो जाती है। ठीक है, मेरा बदला पूरा हो गया, मेरी लाश तुम्हें पीछे झाड़ियों में पड़ी हुई मिलेगी, उसका अंतिम संस्कार कर देना,
फिर शेरू और कालिया मिलकर उसकी लाश का अंतिम संस्कार करते हैं।